एक मिनट भैया रुकना जरा। अरे ये तो मेरा बीबी है और इसके साथ ये लड़का तो मेरा दोस्त है। इसका मतलब जरूर इसके साथ अफेयर है। एक काम करता हूँ, इसे अभी कॉल करता हूँ और पूछता हूँ ये कहाँ पर है। एक मिनट। अरे मेरे पति का कॉलर है, अब मैं क्या बोलूँ उसको। अरे यार इसका कॉल भी अभी आना था। तुम एक काम करो, उसे बोलो कि मैं शॉपिंग करने आई हूँ। हेलो हेलो। हाँ बेबी तुम कहाँ पर हो? मैं तो विश्व मंगला के पास हूँ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। क्या शॉपिंग करने आई हो? हाँ मैं भी उसी बगल वाली पार्क में हूँ, तुम आ जाओ। तुम भी यहाँ हो? हाँ। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। हाँ आज तो मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। अरे ये मुझे पार्क में क्यों बुला रहा है? अब जाओ जाके देखो किस लिए बुला रहा है। ठीक है मैं जाती हूँ। तुम तो ऑफिस जाने वाले थे ना, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी इसलिए मैंने आज ऑफिस नहीं गया। ओ अच्छा, और बोलो क्यों बुलाया? बुलाया तो ऐसी, हाँ एक बात याद आया, मेरा एक बचपन का दोस्त है, मैंने शादी किया और मैंने उसे पार्टी नहीं दिया तो हमेशा बोलता पार्टी दे पार्टी दे। तो एक काम करता हूँ मैं अपना दोस्त बीजे को कॉल कर लेता हूँ, आज उसे पार्टी दे ही दूंगा। आज तुम भी साथ में हो। अरे चिंता, अब ये क्यों कॉल कर रहा है? उठा के देखता हूँ। हेलो। हाँ बीजे तू बहुत दिन से बोल रहा था ना पार्टी दे, तूने शादी किया, चल आज मैं तुझे पार्टी देता हूँ। अच्छा तू पार्टी दे रहा है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ बीबी? कुछ नहीं। देखो बीजे आ गया। अच्छा तो भाभी भी साथ है इसलिए तुझे याद आया ना आज पार्टी देना है। हाँ कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, अब चल रेस्टोरेंट चलते हैं। चलो एक मिनट बीबी तुम अपना फोन देना जरा। अरे मेरा फोन, मेरा फोन शायद कहीं गिर गया है। अरे यार ये क्या बोल रही हो? एक मिनट मैं कॉल करता हूँ। जल्दी करो। अरे यार अभी इस टावर को अभी जाना था। विजय तू अपना फोन देना जरा। अरे जाने दो ना, वहाँ गिर गया होगा, चलो देखते हैं। तुम चुप करो, बहुत महंगा फोन है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। अरे यार अगर मैंने अपना फोन दे दिया इसे तो मैं फंस जाऊंगा, अब मैं क्या करूं? अबे भाई तू इतना सोच क्या रहा है, फोन दे। अरे ये मेरा बीबी का नंबर तेरे मोबाइल में बेबी बोल के सेव है? अरे यार तू भूल गया शायद, उस दिन तेरी बीबी का नंबर से तूने मुझे कॉल किया था ना। हाँ। तो शायद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड समझ के बेबी बोल के सेव कर लिया यार। अच्छा ऐसा बात है। माही ये तो वही लड़की है ना जिससे मैं टकराई थी। सॉरी मैम, सॉरी, देख के चला करो। ठीक है। और ये तो मेरा, हाँ और ये सब मेरा ही प्लानिंग था और इसे मैंने ही बोला था ये फोन चोरी करने के लिए। चलो मैं मान लिया इसके मोबाइल में गलती से नंबर सेव हो गया और मैं तुम्हारे मोबाइल में भी चेक कर लूं क्या सही है और क्या गलत है। देखो मैंने मान लिया इसके मोबाइल में गलती से नंबर सेव हो गया और तुम्हारा मोबाइल में भी तो इसका नंबर बाबू बोल के सेव है, ये भी क्या गलत है? चिंटू प्लीज एक बार मुझे मौका दे दो। बंद करो ये अपना बकवास, मुझे कुछ नहीं सुनना है। वो तो अच्छा हुआ मुझे ऑफिस जाते समय तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना तुम मुझे कब तक ऐसे करके धोखा देती रहती ये मुझे भी नहीं पता था। और तू तो मेरा बचपन का दोस्त था, मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया और तू मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ, छी। और वैसे भी तुझे मैं क्या बोलूँ, जब खुद की बीवी ऐसा हो तो मैं दूसरे को का ही बोलूँ। तुम्हारे ऐसे गोल्ड डिगर लड़की के साथ ना मुझे नहीं रहना। और हाँ डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे, आज से तुम अपना शकल मत दिखाना और तू भी मत दिखाना। चलो माही छोड़ो।